नगर कर्नूल विजय संकल्प सभलो प्रधानी मोदी कांग्रेस बीआरएस लपै मंडिपड्डारु पदेळ्लुगा तेलंगाण प्रजलनु बीआरएस कांग्रेस चिदिमेसे अन्नारु इन्नि रोजुलुगा बीआरएस अवनीति की पाल्पडिते इप्पुडु कांग्रेस कूडा अदे पनि चेस्तोंदनि विमर्शिंचारु बीआरएस कांग्रेस पार्टीला चेष्टलतो तेलंगाण नलिगिपोयिंदनि आवेदन व्यक्तं चेशारु राष्ट्रानि कांग्रेस नु नाशनं चेसेंदुकु ई ऐदेळ्लु चालनि फैर् अय्यारु दलितुलु अणगारिन वर्गालनु अवमानपरचडं ई रेंडु पार्टीलकु अलवाटेनि चोरक वेशारु प्रधानी मोदी तेलंगाना चक्की के दो पार्टों में पीसता रहा है। एक पार्ट कांग्रेस का और दूसरा पार्ट बीआरएस का। कांग्रेस और बीआरएस ने मिलकर तेलंगाना के विकास के हर सपने को चकनाचूर कर दिया है और अब तो मुश्किल ये है कि यहां कांग्रेस के पंजे का कब्जा हो गया है। पहले बीआरएस की महालूट और अब कांग्रेस की बुरी नजर। ये वैसे ही हालत है जैसे कि कुएं से निकले खाई में गिरे। कांग्रेस के लिए तो पूरा राज्य तबाह करने के लिए 5 साल भी बहुत है। दलित बंधु योजना से दलितों को धोखा दिया जिसमें कैसी कैसी चालाकियां की गई थी, कैसी कैसी कमियां रखी गई थी। आंख में धूल झोंकने का ये नया तरीका उन्होंने खोजा था। बीआरएस ने वादा किया था कि तेलंगाना का पहला सीएम एससी समुदाय से होगा, लेकिन ये वादा भी पूरा नहीं किया गया। जिन लोगों ने एससी एसटी ओबीसी के लोगों को हमेशा अपमानित किया है कि कांग्रेस सरकार के डिप्टी सीएम जो एससी समुदाय से हैं, उनको कैसे अपमान किया जा रहा है, उनका कैसे अपमान हो रहा है। तेलंगाना के लोगों ने उन तस्वीरों को देखा है कि कांग्रेस के नेता ऊपर बैठते हैं लेकिन एससी समुदाय के नेता को जमीन पर बैठाया जाता है। परिवारवादी पार्टियों में भ्रष्टाचार की पार्टनरशिप सबसे मजबूत होती है। कांग्रेस और बीआरएस दोनों घोटालों के पार्टनर है। कांग्रेस ने 2G घोटाला किया था, बीआरएस ने पानी में भ्रष्टाचार किया, सिंचाई घोटाला कर दिया। कांग्रेस और बीआरएस दोनों भूमाफिया को सपोर्ट करते हैं। वैसे बीआरएस तो राज्य से बाहर जाकर दूसरे कट्टर भ्रष्टाचारी दलों से भी पार्टनरशिप करके बैठी हुई है। उसका ये सच भी हर रोज सामने आ रहा है। कोई भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं।